वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव में सभी को क्या जानने की ज़रूरत है। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो, और मेरे सेकंड चैनल का फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आप। यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का, तो पुरानी यादों पुरानी चीज़ों की बातें हो रही हैं, यहाँ पे पुरानी सिचुएशंस की बातें हो रही हैं। मदर और चाइल्ड की एनर्जीज हैं वैसे यहाँ पे। जस्टिस, तो आपकी फैमिली लाइफ के अंदर खासतौर से आपके पास्ट में जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसमें आ रहा है जस्टिस आपके लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पास्ट में ना आपके बचपन में आपके, देखिए अब ये रीडिंग किसके लिए है, अगर आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, यानी कि आपके चाइल्डहुड में इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, और आपकी लाइफ के अंदर लगातार आपको एक ऐसी एनर्जी में रखने की कोशिश की गई जो कि बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल होने वाली एनर्जी से, यानी कि आपने पास्ट में अपने परिवार के लिए अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपके लिए अनग्रेटफुल थे, आपके कामों आपके व्यवहार के लिए अनग्रेटफुल थे, उन्होंने कभी भी आपके किए गए एफर्ट्स का वो आपको जवाब नहीं दिया या आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स हमारी पास्ट की मेमोरीज की बात करता है, और यहाँ पे वैसे दो एक जैसे ही एज के लोग होते हैं, बड़े छोटे, लेकिन ये आपके इनर चाइल्ड के जो आपके जो इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं या फिर आपके साथ बचपन में जो भी ख़राब हुआ है उस सारी एनर्जीज़ में आपकी उस सारी एनर्जीज़ में, यहाँ पे भी देखिए जजमेंट का कार्ड है, ये कार्ड का डेक मैंने निकाला था, और देखिए यहाँ पर भी अपने आप ही गिर गया है, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ना जो भी आपके साथ पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं, स्पेसिफिकली आपके बचपन में, और आपको कभी भी आपके इनर चाइल्ड को कभी भी वो प्यार नहीं मिला, ये रीडिंग उनके लिए है। तो ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि इस रीडिंग को आपने आगे देखना है कि नहीं देखना। यहाँ पे ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कुछ आपके फैमिली के ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ना लगातार 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 टॉक्सिक एनर्जी में रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है, हैंग्ड वन का कार्ड है। अगर आप देखें आपकी रीडिंग के अंदर ज़्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ये मेजर अरकाना का कार्ड है हाई प्रिस्टिस का। देखिए बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, या तो फिर मुझे रीडिंग बंद करनी पड़ेगी, और वो मैं करना नहीं चाहती। बाहर से आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, हैंग्ड वन का कार्ड है, डेविल का और जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक मिला के यहाँ पे सात कार्ड हैं, सात में से पांच कार्ड आपके हैं मेजर अरकाना के। यानी कि आपके जीवन में ना बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जहां पर आपको बांध के रखने की कोशिश की गई, जहां पर हर लोगों ने आपके ऊपर जजमेंट पास किया, जहां पर आपकी जो भी एबिलिटीज़ थी या योग्यताएँ थी उनको हमेशा वुंडेड किया गया। आपकी एनर्जीज यही हैं, तो इसमें जस्टिस आ रहा है आपके लिए। आप वो इंसान हो सकते हैं जो बीच बीच में अपने कमिटमेंट छोड़ देता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कभी भी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता, या फिर आप हमेशा ही ऐसे हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं जहाँ पे जल्दबाजी वाली चीज़ें बहुत होती हैं, यानी कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को या तो अचीव कर लेना चाहते हैं या फिर आप उस जगह पहुँच जाना चाहते हैं जहाँ पे आपके लिए कुछ सक्सेसफुल होना है। तो मुझे ऐसा लगता है एक आपके ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच में किसी बच्चे को लेकर कोई टेंशन है, ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन कोई जस्टिस का मामला है या कोर्ट का मामला है जहाँ पे बार बार दो लोग बच्चे को लेकर लड़ रहे हैं या फिर बच्चे को लेकर कोई कानूनी झगड़ा है, ठीक है। एक एनर्जीज ये भी हैं यहाँ पर, यानी कि ये एनर्जीज भी हैं किसी बच्चे को लेकर, बच्चे की पैसों को लेकर, कि बच्चों के पैसे हो सकते हैं या फिर बच्चे के नाम पे पैसे हो सकते हैं, बच्चे के खर्चे के लिए पैसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। कोर्ट की एनर्जीज भी हैं, यानी कि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज है ना, तो कोर्ट की एनर्जीज भी हैं, और जजमेंट दोनों ही हैं, दोनों कार्मिक कार्ड हैं यहाँ पे, और इस डेविल की एनर्जीज पे है ये चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे ना लगातार वो लोग आपको मिलते रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा ही अपने साथ बांधने की कोशिश की है, आपको उल्टा लटका देने की कोशिश की है, और इस चीज़ में जजमेंट आ रहा है, जजमेंट पास हो रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, अभी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिएगा, पास्ट की कुछ एनर्जीज वहाँ थी। तीन चार रीडिंग्स जो है ना आपस में बहुत एनर्जी मैच करती है, देख लेना, देखनी हो तो आपने।
ये आपके उस अवेकनिंग की बात करता है जो आपको किसी डेवलिश एनवायरनमेंट में रहने से आई या डेवलिश लोगों के साथ रहने से आई, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो टॉक्सिक था। अब ये टॉक्सिक आपके लिए आपके काम का हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको बांध के रखा गया या फिर आपके ऊपर कोई ऐसे स्पेल वर्क किए गए बाइंडिंग ब्लॉकिंग के, लेकिन उसमें भी आपकी अवेकनिंग हुई और इसलिए आपके गुड कर्मा का रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। दोनों ही कार्मिक कार्ड हैं। आपने अपनी इंट्यूशंस का यूज़ किया या फिर आपने अपने जो भी आपको मैसेजेस मिलते थे, यानी कि बचपन से ही शायद आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड थे या फिर ईश्वर के साथ आपका अच्छा कनेक्शन था। तो ये आपके लिए एक लाइट जैसी एनर्जी से, इनकी डिवाइन यहाँ पे ना आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहता है आपके उस सिचुएशन के लिए जहाँ पर लोगों ने आपके साथ गलत किया आपके पास्ट में। अब ये आपके बचपन की एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके इनर चाइल्ड को, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बच्चे जैसे हों, या फिर आपका बचपना आपकी इनोसेंस को ख़राब किया है लोगों ने लगातार बांध के बाइंड ब्लॉक करके, आपकी खुशियों को मार के, आपके दिल को मार के, आपकी कप्स को ना एम्प्टी करके, आपके कप्स को खाली करके। यहाँ पे ना आपने लोगों को बहुत शायद प्यार से ऑफ़र की हैं अपनी चीज़ें, लेकिन लोगों ने शायद अंधेरे के सिवा आपको कुछ नहीं दिया। यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, तो आपकी सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपने अपने इनर चाइल्ड के जो भी वुंड्स थे उसमें एक विक्ट्री पाई है, और ये विक्ट्री आपको इसलिए ही मिली है क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। तो देखिए, अगर आपको अपनी रीडिंग साथ साथ समझ में आ जाए कि आपके साथ ये रेजोनेट करती है कि नहीं करती, करती है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सेकेंड रीडिंग देख लीजिएगा कोई और। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने अपनी उस इनर चाइल्ड के वुंड्स के ऊपर, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जो लोग भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रही हैं, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज कर रहे हैं क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो इन लोगों ने डेफिनेटली आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड करने की या फिर आपके जो पास्ट की एनर्जीज हैं, पे आपने खुद को लॉस्ट महसूस किया या लॉस महसूस किया कि आपका सब चीज़ें खो गई और आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जीज आपको दी। इस एनर्जी से ना आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, आपके हिस्से का जो था वो आपको नहीं मिला और वो अब आपके लिए वापस आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो लोगों ने आपको देना था वो उन्होंने आपको नहीं दिया, अब डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है या डिवाइन आपके लिए वो चीज़ें जस्टिस में लेके आ रहा है जो आपका अपना था। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वुंडेड किया गया, इसलिए आप खुश वाली एनर्जी में तो नहीं रहे, अभी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों ही कार्ड में चेहरे बहुत उतरे हुए हैं जबकि ये विक्ट्री का कार्ड है। आपके लिए ये यात्रा जो है ना बड़ी ही ज़्यादा ऐसी रही है जहाँ पर आपको फाइट करनी पड़ी है, फाइटिंग। आप एक फ़ाइटर हैं, डेफिनेटली आप एक फ़ाइटर हैं, आप एक वॉरियर हैं, और आपकी इस वॉरियर वाली एनर्जीज़ के लिए ही डिवाइन यहाँ पे आपको कह रहा है कि पास्ट में तुमसे लोगों ने तुम्हारा बहुत कुछ छीना है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा जो हिसाब है नाप तोल करके और बिल्कुल तोल करके दूंगा जो तुम्हारा है, यानी कि एक एक कर्म का हिसाब मैं करूंगा, एक एक बात का हिसाब मैं करूंगा, एक एक चीज़ का हिसाब मैं करूंगा। होगा ये हिसाब तो होगा, इसे होना ही है। ईश्वर आपको वो एनर्जीज वो चीज़ें देगा जो आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हैं आपके गुड कर्मास के द्वारा। एस ऑफ पेंटकल्स, यहाँ से भी अभी एट ऑफ पेंटकल्स ही बाहर निकल कर आ रहा था ना, ये आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी जैसा होगा और ये डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। कहने का मतलब है ये जो जल्दी वाली एनर्जीज है ना, ये आपको ईश्वर ऐसा मौका देगा जब आप अपनी लाइफ को सही दिशा में लेके जा सकेंगे, और जो लोग भी आपको वुंडेड करने की, आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं या अभी भी आपके ऊपर जो लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं या फिर आपकी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो एक्चुअली आपकी ग्रोथ करने में ही मदद कर रहे हैं। लीजिए, हैंगमैन के कार्ड में हैंगमैन आया है, तो अब आप देखिए, और हैंगमैन यहाँ पे रिवर्स आया है जबकि सारे कार्ड मैंने सच में सारे ही कार्ड मैंने सीधे करके रखे थे इसमें, और ये अपने आप ही आते आते रिवर्स आ गया। हैंगमैन के हैंगड वन के क्लैरिफिकेशन में हैंगमैन ही आया है, तो यहाँ पे जिस भी सिचुएशन को इन्होंने आपके लिए उल्टा करके रखने की कोशिश की थी उस वाली सिचुएशन में अब आप स्टक नहीं रहे हैं, या फिर आपको जिस चीज़ में स्टक रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की थी आपके लिए वो चीज़ें अब वापस पलट रही हैं, यानी कि इतिहास कहीं ना अब अपने आप को दोहराएगा जहाँ पे सारी चीज़ें शुरू से शुरू होंगी जो कि होना था, यानी कि आपके भाग्य में जो लिखा है ईश्वर ने वो तो आपको मिलना तय ही है। ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का, तो डेफिनेटली ये कोई किंग ऑफ सोर्ड है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन या आपकी फैमिली का हो सकता है।
मेल मेल हो सकता है या फिर ये कोई डोमिनेटिंग फीमेल हो सकती है जिन्होंने आपके साथ ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने की कोशिश की, और यहाँ पे डेफिनेटली आपकी ये जो कॉर्ड्स हैं कट रही हैं, आपकी ये जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग है ये कट चुकी है, कट रही है, और आप बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड यानी कि अब आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, अगेन कार्मिक कार्ड है, तो आपकी लाइफ में ना जो भी आपके गुड कर्माज रहे हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और मुझे क्या लगता है ना, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपके सिर्फ इस जन्म के जो गुड कर्माज हैं उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, आपको इस जन्म के अच्छे कर्मों के साथ साथ आपके पिछले जो जन्म के कर्म हैं, पिछले जो आपने जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, उन सब का रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने ना अपनी पास्ट लाइफ के अंदर अपने जो अच्छे कर्मों के रिजल्ट थे वो आपको नहीं मिले, या फिर आपने नहीं लिए, आपने शायद इसी लाइफ टाइम के लिए रोक के रखे थे, तो इसलिए वो आपको मिलने अब तय हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की जजमेंट कॉलिंग है, यहाँ पे शायद बहुत सारी पास्ट लाइफ्स का हिसाब हो रहा है, एक का नहीं होता दिखाई दे रहा मुझे। नाइन ऑफ रोड्स का कार्ड है, यानी कि अगेन ये स्पिरिचुअल वॉरियर का कार्ड है, तो आपकी ये पास्ट लाइफ का ही मुझे कुछ लग रहा है। आपकी ना बहुत सारी पास्ट लाइफ्स में ऐसा हुआ है जहाँ पर आपके साथ में ना जो इस जन्म में आपके साथ में हो रहा है, या जो लोग भी आपके साथ इस जन्म में गलत कर रहे हैं, इन लोगों ने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ यही गलत किया है, और ये आपकी एक पास्ट लाइफ से नहीं किया है, कम से कम 5 से 9 जो भी आपने जन्म लिए होंगे लगातार ये हर जन्म में आपके साथ ये ब्लैक मैजिक, ये बाइंडिंग, ये ब्लॉकिंग करते आ रहे हैं। हर जन्म में ये आपके दुश्मन बनते आ रहे हैं, हर जन्म में ये आपको लूज़र महसूस करवाते आ रहे हैं, हर जन्म में ये आपसे आपका हक छीनते आ रहे हैं, हर जन्म में ये आपको वुंडेड करते आ रहे हैं। ये आपके लिए एक जन्म की चीज़ें नहीं है, ये आपके लिए पास्ट लाइफ से चला आ रहा है जो इसमें बिलीव करते हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो आपकी चीज़ें ना अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे आपकी चीज़ें ना होते होते रुकती हैं, आपकी चीज़ें होते होते रुकती हैं, लेकिन इस बार आपको आपके जो भी रिजल्ट हैं वो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको पहुँचना था, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें होनी ज़रूरी थी, जहाँ पर आपके लिए सक्सेसफुल जो टाइम था वो था, यस जो सक्सेसफुल टाइम है आपका वो है, यानी कि आपने जो भी अपने अच्छे कर्म किए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, और ये आपके लिए हील होने जैसा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो लोग हैं ना आपकी अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं, या जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, मेल हो सकता है खास तौर से, ये लगातार, या फिर कोई फीमेल जो मस्कुलिन एनर्जीज में है, ये लगातार आपकी एनर्जीज को लीच करती है या करता है, और आपकी हमेशा जो भी आपकी लाइफ की जो भी ग्रोथ होती है ना उसमें ये हमेशा ही रोड़े अटकाता आ रहा है या आ रही है। इसने हर जन्म में आपके साथ यही करना चूज़ किया है, और इसलिए ही अब डिवाइन के लिए, अब डिवाइन की ये कॉलिंग है इसके लिए कि अब ये चीज़ें ये नहीं कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगी। तो आपको ना अटका के हमेशा रखने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, तो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते थे लाइफ में ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का, और ये ब्लेसिंग्स आपको क्यों मिलेंगी, क्योंकि आपने अपना इनर वर्क किया है। तो याद रखिएगा, वैसे मैं पिछले 1.5-2 साल से ये चीज़ें बोलती आ रही थी कि अपने कर्म का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं अगर वो ये वीडियोज़ देखते हैं तो उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। मैं हमेशा से कहती आ रही थी कि अपने कर्मों को विशेष रूप से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी चीज़ें चलेंगी उसमें कर्मों का विशेष रूप से जो है माप तोल किया जाएगा, नापा जाएगा उन पर, वही चीज़ें हो रही हैं अभी। तो आप ना बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिज़र्व करते थे, और वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छीनी गई, और उस बहुत सारी छीनने में अब डिवाइन आपको एक एक करके वो चीज़ें वापस करेगा, यानी कि आपकी ब्लेसिंग्स वो आपको वापस देगा जो आपसे छीन ली गई या जो आपके हिस्से की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी आपके ऊपर ये स्पेल वर्क करते आ रहे हैं ना, ये बचपन से या फिर आपके किसी सर्टेन एज से, 6 साल की उम्र भी आपकी हो सकती है उससे कर रहे हों, 4 साल की उम्र, 11 साल की उम्र, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब आप यंग एज में थे तब से, तो लगातार ये लोग ना आपके ऊपर लीच करते आ रहे हैं, ये आपके कोई भाई बहन भी हो सकते हैं। द फूल का कार्ड है, आपकी ये जर्नी डेफिनेटली प्योरिफिकेशन से आगे बढ़ रही है, प्योर होकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अमेथिस्ट है, तो डेफिनेटली आपकी ना एनर्जीज क्लीन होती जा रही हैं। इन लोगों ने ना आपकी एनर्जी पे लीच कर करके आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, या डिस्टर्ब कर रखा था, या कर रखा है, इसलिए जब भी आप आगे बढ़ेंगे और आपको ये बढ़ना दिखाई देगा, आपकी एनर्जीज क्लीन हो रही होंगी, नए रास्ते दिखाई देंगे। एक्चुअली आपको डिवाइन आपको नए रास्ते भी देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, और इन लोगों के सामने ही देगा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ के हर एक पहलू को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हर्मिट का, डेफिनेटली ये आपको रास्ता दिखाई देगा आपकी सोल सर्च से, यानी कि आप जो अंदर से जिन
जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं ये आपकी अवेकनिंग की जगह है या फिर अवेकनिंग की जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है या इन लोगों ने जो कुछ भी आपकी लाइफ में लगातार किया है उसकी वजह से ये हुआ है कि आप एक अंतर्मुखी हो सकते हैं, यानी कि आप बाहर के लोगों से डेफिनेटली बात करते हैं लेकिन आप अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ में जो हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज़ करके बैठे हैं या फिर आप अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ एक्चुअली क्या चलता आ रहा था पास्ट से या फिर क्या चलता आ रहा है, लोग आपके साथ किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में वो क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपका कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर तो हो ही सकता है, ये ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जिसने आपको ना इंटरनली वुंडेड किया, यानी कि आपके दिल को इस इंसान ने सबसे गहरी चोट पहुंचाई है जो अभी तक आपको किसी और ने नहीं पहुंचाई थी, यानी कि इस एक इंसान की वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी चोटें आपको मिली हैं वो आपको मिली हैं। या फिर अगर आपके ऊपर इसने कोई स्पेल वर्क का यूज़ किया है आपको बाइंड करके, चाहे किसी रिश्ते में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी मजबूरी में, किसी स्पेल वर्क के द्वारा जैसे भी इस इंसान ने आपको बाइंड रखने की कोशिश की है वो इसने की है, यानी कि इस इंसान को आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते। ये इंसान वो है जो कि आपको अपने से आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। जजमेंट का कार्ड है, अगेन यहाँ पर डबल जजमेंट है, बिल्कुल यहाँ पर डबल जजमेंट है। आपके साथ में जिसने भी जो कुछ किया है ना बहुत ज़्यादा गंदा और गलत किया है, यानी कि आपकी सोल को ट्रैप करने की कोशिश की गई, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा या आपकी स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे रोकने की कोशिश की गई और उसको दूषित करने की कोशिश की गई। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। एक्चुअली ये वही एनर्जीज हैं जो कि डेविल की एनर्जी से आती हैं। आपको इस तरह के रिश्तों में या फिर ऐसे लोगों के द्वारा इन्होंने बांधने की कोशिश की गई जो बहुत ही ज़्यादा लस्टी और जो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल वाइब्रेशन से आते हैं। खुद ये डेमोनिक जो पोजेशंस हैं, क्योंकि जब आप बार बार डेमोनिक एनर्जीज को जगाते रहते हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में काम करते रहते हैं या वो रिटर्न टू सेंडर होती रहती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? एनर्जी आपने जगाई है, वेस्ट थोड़ी ना होगी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जब वो रिटर्न टू सेंडर होगी तो वो आपके पास ही जाएगी। तो जिन लोगों के पास भी गई है अटैच होती गई और अटैच होती गई और अटैच होती गई, क्योंकि इन लोगों ने अपने कर्मास को देखना चूज़ नहीं किया और ये और ब्रूटल होते गए और ब्रूटल होते गए और ब्रूटल होते गए। हर जन्म में, हर जन्म में, हर पल में ये आपके साथ ब्रूटल होते गए। इसलिए ये आपके एक जन्मों का प्रताप आपको नहीं मिल रहा है, आपके एक जन्मों का जो कर्मों का हिसाब है यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर आपको अपनी यात्रा बहुत भारी लगती है, अगर आपको ये लग रहा है इस टाइम पीरियड में कि आपने बहुत झेला है और बहुत सालों से आप झेलते आ रहे हैं, बचपन से झेलते आ रहे हैं, सालों साल आपकी कोई चीज़ें हुई नहीं है, तो वो इसलिए ही हुआ है आपके साथ में क्योंकि आपने सिर्फ इस जन्म में जो किया था उसका कुछ नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों से चलता आ रहा है, आपके मैनी पास्ट लाइफ्स जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और मैं इस एनर्जी को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ इसलिए मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती। आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ में ऐसी ही चीज़ें हुई हैं, ये सेम साइकिल बार 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 रिपीट हुआ है, इसलिए अब डबल जजमेंट यहाँ पे आया है। इसलिए आपके लिए जस्टिस आया है, डबल जजमेंट आया है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने ये कहा कि तुमने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया, अब इस जन्म में ये नहीं होगा, तुम पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से चीज़ को करते आ रहे हो, अब नहीं होगा, अब हिसाब होगा। वैसे भी अब हिसाब ही होंगे, जिनके भी होंगे ना वो हिसाब ही होंगे। वो हिसाब क्यों होंगे? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अर्थ को अपना असेंशन करना है और इस टाइम पीरियड में जो भी अर्थ की एनर्जी के साथ खिलवाड़ करेगा या खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करेगा या खिलवाड़ होते देखकर चुप रहेगा और सोचेगा इसके साथ बुरा हो रहा है तो मैं क्यों कुछ बोलूं, मैं तो चुप रहता हूं या रहती हूं। चाहे वो किसी के घर के सदस्य हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, फैमिली मेम्बर हों, जान पहचान वाले हों, जितने लोग भी खामोश रहे हैं ना उनका हिसाब सबसे पहले होगा एक्चुअली, क्योंकि अगर वो आपको सच बोलते या फिर आपको सच का रास्ता दिखाते तो आपके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो नहीं होती और आपको अपनी एनर्जी को जो भी आपके इस लाइफ में डिस्ट्रॉय हुआ, नष्ट हुआ, विनाश हुआ जिसका, वो नहीं होता। तो आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइफ को या आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी विनाश लाने में भागीदारी करी है ना, उन सबका हिसाब सबसे पहले होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, जिन्होंने खामोशी अपना ली और कहा होने दो जो हो रहा है, हमें तो फ़ायदा हो रहा है ना, इन लोगों के साथ होगा। या फिर डर के मारे चुप रहे, पैसों के बारे में चुप रहे, या तो डर के मारे चुप रहे या फिर पैसों की वजह से चुप रहे या फिर बस चुप रहे क्योंकि उन्हें आपका आप में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें ये था बाढ़ में जाए, जो हो रहा है होने तो इसके साथ में, अच्छा है हमें भी मज़ा आ रहा है, हमारे साथ भी इसने ऐसे किया था। ऐसे लोगों को सबसे पहले ही जवाब देना होगा, इन लोगों का हिसाब तो बाद में होगा या साथ के साथ जो होता है होता रहेगा, लेकिन उन लोगों का हिसाब जरूर होगा जिन्होंने चुप्पी साधी रखी, जिनकी खामोशी की वजह से आप बर्बाद हुए
है ना, फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी है, डबल फोर ऑफ कप्स, तो आपको हमेशा ही इन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स छीनते रहे, ये लोग आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा ही छीनते रहे और अभी भी इनकी यही प्लानिंग है आपकी ब्लेसिंग्स को छीनने की। लेकिन इसके नेक्स्ट ही कार्ड यहाँ जजमेंट का और यहाँ पे है आपकी ब्लेसिंग्स के प्रोटेक्ट होने का। आपको इन्होंने ना हमेशा ही आपकी ही सिचुएशन में या आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी में रखा जहाँ पर आपको ये लगा पास्ट में, खास तौर से आपको ये लगा कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, आप खाली हाथ हैं, आपके पास कुछ नहीं है। और ईश्वर ने, अब ईश्वर कह रहा है यहाँ देखो यहाँ ब्लेसिंग्स हैं, अपने विज़न को चेंज करो, इसलिए सोल सर्च करो। और अगर आप कर रहे हैं तो आपका विज़न डेफिनेटली चेंज हो रहा होगा या हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो उसको करने की ज़रूरत है। लोग तो नहीं चाहते हैं भाई आपके ऊपर, हो सकता है इस तरह की टैब्स खुली हुई हों, लोग आपके ऊपर टैब खोल के रखते हों आपके बारे में, और जो खास तौर से इंफॉर्मेशन पास करते हैं ना आपके यहाँ देखकर, वहाँ बोलते हैं अब ये हो गया अब वो हो गया, चाहे पैसे के लिए करते हैं चाहे किसी और चीज़ के लिए करते हैं, इन सब लोगों का भी हिसाब होगा क्योंकि इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब हुआ। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हमें तो पैसे कमाने थे, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमारे पास बच्चों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, हम तो बहुत गरीबी में रह रहे थे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ये एक्सक्यूज़ है आपकी लाइफ में। ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होगी, स्टेप बाई स्टेप चेंज होगी, हर कदम के साथ चेंज होगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्लो प्रोग्रेस का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एक, इन लोगों ने ऑलरेडी इतने स्पेल वर्क कर रखे हैं कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है चीज़ों में, लेकिन आपकी स्लो प्रोग्रेस यहाँ क्यों होगी? आपकी स्लो प्रोग्रेस यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस होना है, बैलेंस होते होते ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और ये आपकी लाइफ में एक एक करके चीज़ें आएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती चली जाएंगी। अब हाई प्रिस्टिस के अगर देखें, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टिस है और यहाँ पर देखिए टेन एवरीथिंग इज़ फाइन है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है। अगर इन दोनों कार्ड्स को देखा जाए तो ये जो हाई प्रिस्टिस है यानी कि ये जो भी फीमेल है ना, इस इंसान ने लगातार एक, अगर आप ये हाई प्रिस्टिस हैं तो इस डेविलिश एनर्जी ने हमेशा ही आपको बांध के रखने की कोशिश की है। और देखिए डबल डेविल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में ना हमेशा डबल अटैक हुए हैं और ये दो मेल हो सकते हैं जो बार बार आपकी एनर्जीज पे अटैक करते हैं या फिर आपके माइंड को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका एक ब्रदर या फैमिली मेम्बर तो ज़रूर शामिल है, डेफिनेटली आपका फैमिली मेम्बर तो हर हालत में शामिल है, कुछ भी हो जाए आपका फैमिली मेम्बर तो है तो है, बात खत्म, है फैमिली मेंबर। आपका कोई एक्स भी हो सकता है लेकिन आपका फैमिली मेंबर यहाँ बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपका कोई सिबलिंग है ऐसा। अब किसी ने पूछा ये कज़न है या मेरा सिबलिंग है, मेरा भाई या बहन, चाचा नानी की रिश्ते, मुझे क्या पता भाई, आप देखो ना आपके साथ में कौन लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये आप देखो, सब चीज़ों की डिटेल मैं थोड़ी ना दूँ। ये एक नॉर्मल रीडिंग है, सबके लिए है, कलेक्टिव में, पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना, इतना डिटेल मैं कैसे दे सकती हूँ। आप, मैं कह दूँ आपके चाचा के बेटे ऐसे कर रहे हैं और पता चले दूसरे के चाचा के बेटे जो सुन रहे हैं उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है और वो सब कुछ उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, आप तो लड़ाई करवा दोगे भाई तो ऐसी चीज़ें कहने और करने के लिए मुझे प्रेरित नहीं करो, मेरे मुँह में शब्द नहीं दो कि मुझे क्या कहना है। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने किसी ना किसी हाई प्रिस्टिस की सेवा भी ली है, यानी कि आपके ऊपर टैब खोल के रखते हैं और ऑनलाइन आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मैजिक करते हैं, यानी कि एक इन लोगों ने जो भी मैजिक किया है आधे टाइम तो इन लोगों ने ऑनलाइन इनके गूगल सर्च करके मैजिक किया है, किताबी ज्ञान से किया है। इसलिए इन लोगों के लिए ना इन्होंने आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय ज़्यादा किया क्योंकि इन्होंने किताबी ज्ञान को बहुत ज़्यादा सर्च किया। कुछ लोगों ने हेल्प ली डेफिनेटली हाई प्रिस्टिस की, यानी कि जो स्पेल वर्क वगैरह करती हैं या करते हैं, हम देखते हैं इस चैनल पे ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर और स्पेल कास्टर आते हैं, तो ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन जिसने जो भी कुछ किया आपको बाइंड और ब्लॉक रखने की कोशिश की ताकि आप अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस ना कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सकें। सिंपल, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यही तो है। ओहो, ये कार्ड कहता है दिस कार्ड इज़ कन्फर्मेशन। ये कुछ कन्फर्मेशन कार्ड मैंने लिए हैं डिवाइन से कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये जो है गलत करना इनके बहुत सारे लाइफ टाइम के लिए ना बैड कर्मा लेकर आया है। इनकी सिर्फ एक लाइफ में नहीं होगा क्योंकि आपकी एक लाइफ इन लोगों ने स्पॉइल नहीं की है, ये आपके साथ में पास्ट में से ही खेल खेलते आ रहे हैं। तो इसलिए जो पास्ट की लाइफ से खेल चला आ रहा है, आपकी इस लाइफ के पास्ट से जो खेल चला आ रहा है और बार 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 इतना ज़्यादा इन्होंने, डबल डेविल था ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा इन्होंने हर बार आपके ऊपर अटैक किया, हर बार आपको उस साइकिल में रखने की कोशिश की जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जीज में,
हैं, आप एक भोली एनर्जीज में हैं, और इन्होंने आपके भोलेपन का, आपके प्यार का और आपकी ना भल मनसाहत का जो फ़ायदा उठाया है ना, उसकी वजह से ही इनके बैड कर्मा हुए हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कार्मिक कार्ड है, यहाँ पे कार्मिक कार्ड है तो कर्मों का हिसाब तो होगा ही होगा, कर्मों का हिसाब तो डेफिनेटली होगा। फॉल फ्रॉम ग्रेस, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। देखिए इन दोनों कार्ड्स में ना, मैंने वैसे बताया है फिर भी बता देती हूँ, कुछ लोग पहली बार जुड़े होंगे, जब ये मैसेज मैंने लिया था तो मैंने कन्फर्म किया था डिवाइन से कि ये लाइफ टाइम्स है, कि लाइफ टाइम है, इनकी एक जन्म के लिए है या बहुत जन्मों के लिए है। तो उन्होंने मुझे बोला था लाइफ टाइम्स है, इनकी एक जन्म के लिए नहीं होगा। जैसे इन्होंने आपकी लाइफ में ओवर एंड ओवर एंड ओवर करते चले गए ना, ओवर 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 करते गए, बार बार दोहराते गए, बार बार आपके ऊपर स्पेल वर्क करते गए और हर पार करते गए, क्योंकि इन्होंने ना, इन लोगों ने हायर किया लोगों को, जैसे हम अदर रीडिंग्स में भी देखते हैं। इन्होंने एक आपके हर कई जन्मों में ऐसा किया, दूसरा इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ऐसा किया, तो आपके ऊपर ना जैसे 24 आवर्स बैठ जाते हैं ना, शिफ्ट करते हैं, इन्होंने आपके ऊपर शिफ्ट किया, तुम दोपहर में करना, मैं सुबह करूँगा, फिर शाम को करेंगे, फिर रात को करेंगे, फिर सुबह करेंगे, फिर तुम करना, फिर तुझे पैसे दे रहे हैं, तुझे तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसे ही किया, जैसे मैं बोल रही हूँ ना ऐसे ही किया। इन्होंने आपके साथ गंदा खेल खेला, नीचताई वाला खेल खेला, नीच बने वाला खेल खेला, फॉल फ्रॉम ग्रेस। और ये वो लोग हैं जो कि आपके अपने हैं, क्योंकि जब ये कार्ड मैंने लेने लगी थी, जो भी ये कार्ड थे ये ब्लैंक थे, खाली थे, ये कार्ड जैसे ही मैंने चैनल डेक उठाया ना, वैसे ही ये कार्ड नीचे गिरा और मुझे सीधी कान में ये आवाज़ आई थी फॉल फ्रॉम ग्रेस। और उन्होंने मुझे ये बोला डिवाइन ने कि ये वो लोग हैं जिनके लिए बहुत जिस मतलब जो ये चैनल मैसेज कि इनके लिए बहुत कुछ किया गया, यानी कि वो लोग जिनके लिए आपने तन मन धन सब समर्पित किया और हर तरह से इनकी मदद की, इनके जीवन को सब रखने की, सब तरह से खुश इनको रखने की कोशिश की, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स छीन ली या आपको ब्लेस्ड नहीं होने दिया, इसलिए ये उस जगह से, उस पदवी से गिर गए। शेयर्ड शेयरिंग इंटीमेट मोमेंट्स विद यू योर और देयर फैमिली मेम्बर्स वेरी क्लोज, तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटीमेट रिलेशन इन लोगों ने बनाए हैं। डेविडिश एनर्जीज में है ना, तो आपको बिट्रे करने का, यानी कि आपको धोखा देने का और आपको चोट पहुंचाने का इन लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे ये आपके सिबलिंग हैं, चाहे फीमेल हैं, मेल हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कज़न हैं, कोई भी हैं, आपका कोई एक्स है, इन्होंने आपस में ही ऐसे रिश्ते बना लिए या आपस में इस तरह के जो भी इंटीमेट मोमेंट्स इन लोगों ने शेयर की अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ये लोग इंटीमेट हुए और आपको ना अकेला कर दिया, और इन लोगों ने ना साजिशें बहुत की। तो इन लोगों ने अपने या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो कि बहुत क्लोज थे इंटीमेट मोमेंट शेयर किए और आपको बिट्रे किया, यानी कि आपको ना धोखा देने का और आपकी लाइफ से सब कुछ छीन लेने का कोई मौका इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और आपको ना चोट पहुंचाई है, आपको बार बार चोट पहुंचाई है आपके ही लोगों ने, आपके ही लोगों के साथ मिलके या फिर अपने लोगों के साथ मिलके, यानी कि या तो आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में आपका कोई एक्स मिल गया, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने किसी और पर्सन के साथ में मिलके या अपने किसी अदर फैमिली मेम्बर के साथ मिलके आपके ऊपर ये सब किया। अपने हिसाब से देखिएगा। रिचुअल मैजिक्स ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन, मैंने क्या कहा था अभी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मैसेजेस को कन्फर्म करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने क्या कहा था, आपके ऊपर ओवर एंड ओवर इन्होंने इतनी बार किया है कि शिफ्ट करके किया है, सुबह तुम करो, दोपहर में हम कर रहे हैं, फिर रात में ये रिचुअल करेंगे, फिर आधी रात को उठ के ये अटैक करेंगे, सुबह उठ के ये करेंगे, ताकि सुबह जब उठे कोई इंसान को बर्बाद होकर उठे, है ना इन्होंने। और फिर एक्चुअली अगर आपका ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर सुनने आएंगे कि हमारे किए हुए का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा इतना असर हुआ है, अच्छा इतना नहीं हुआ है, तो किन के साथ आपने बातें की हैं, उन्होंने कान रखे हैं आपकी बातों पर, आपकी परेशानियों पर, या फिर जब आप अपनी परेशानियों में परेशान थे ना, तो ऐसे लोगों ने मजे लिए हैं आपके, रिचुअल्स किए हैं, मैजिक किए हैं, आपके ऊपर डबल अटैक किया है, हर चीज़ का आपकी लाइफ के ऊपर डबल अटैक किया है और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए कर्मा का जो गाज है ना वो बहुत बुरी गिरेगी और गिर रही होगी, अगर आपको नहीं भी पता है तो, या गिरेगी तो बहुत भयंकर गिरेगी, इसलिए इन्होंने बहुत, अगर इस जन्म में भी कुछ नहीं होगा ना, तो आने वाले समय में ना, जब भी इनके अगले जन्म होंगे, क्योंकि होंगे ज़रूर, है ना, जब भी इनके अगले जन्म होंगे ना, उसमें आप इनके साथ में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा कर दिए हैं कि आप इन लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह थे, और इन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स छीनने के चक्कर में लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स खो दी हैं। आपका रिश्ता इन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स की तरह था जो कि ये खो चुके हैं। वॉन्ट टू पार्टनरशिप विद यू बट यू डिनाइंग, तो आपको इन लोगों ने किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफर की या आपके साथ किसी तरह का कोई काम करना चाहते थे या फिर आपको ऑफर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये वही रीडिंग है जो मैंने अभी आपको दी है, देख लीजिएगा, आपके साथ में बिल्कुल मैच करेगी। पिछली 3-4 रीडिंग्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, कज़न हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है,
कोई भी फैमिली मेम्बर और कोई हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, तो आपने इनके साथ काम करने से मना कर दिया या आप कर देंगे वैसे भी, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे या करना चाहते हैं, आपको एडिक्टिव बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ का एडिक्शन में फंसाना चाहते हैं, यानी कि ये करंट एनर्जीज हैं जो मैं समझ पा रही हूँ अभी भी आपके ऊपर रिचुअल्स और मैजिक किया जा रहा है ताकि आपको अपनी एनर्जीज में आपको अपने साथ फंसाया जा सके और आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं आपको बाइंड किया जा सके, इसलिए इनके ऊपर अब डबल जजमेंट आएगा। देयर इज़ नॉट गोइंग बैक, तो वापस नहीं जा रहे हैं, इसलिए जजमेंट आ रहा है इनके ऊपर। आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए, ये लोग जो भी करना चाहते हैं इनको करने दीजिए और आपको जो करना है आप वो कीजिए। दे वॉन्ट यूर लाइफ इज लिविंग हेल, तो मैंने क्या कहा था, मैंने यही तो बोला था ना कि पूरा बर्बाद कर दिया, अच्छे से बर्बाद किया। अपने कैसे अपने, किस बात का एक्स और किस बात के अपने, जब आपकी लाइफ को लिविंग हेल बना दिया, जीता जाता नर्क बना दिया है, इतना वंडेड कर दिया कि जीता जाता नर्क में इंसान को जीना पड़े अपने इमोशंस के साथ में, तो काहे के परिवार के लोग, काहे का कोई एक्स और काहे के कोई फैमिली और काहे का फ्रेंड, है ना, काहे के लोग। वॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट्स, स्पिरिचुअल रिलीजियस और लाइफ, तो अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस एंड धार्मिक हैं, लाइफ को लेकर हैं, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये आपकी चीज़ों को लेके मॉक करेंगे आपको, आपस में जब बात करेंगे या अकेले में भी सोचेंगे, अरे भाड़ में गई स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी, अरे भाड़ में गए तुम्हारे धर्म को लेके विचार, जीवन को लेके तुम्हारी बड़ी ऊँची सोच है जीवन को लेकर, ऐसा कर लो और वैसा कर लो, तुम्हें हम बताते हैं, तुम्हारे ऊपर हम स्पेल वर्क करते हैं और इतनी बार करते हैं कि तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स छीन लेंगे, तुम्हें पूरा खोखला करके फेंक देंगे और उसके बाद देखेंगे कि तुम क्या करते हो। डबल जजमेंट तो आएगा ही आएगा ना, किसी की लाइफ को इतना खाली कर दो कि पूछो नहीं कैसे चलेगा ना ऐसे। दे डोंट केयर वट यू फील थिंक क्राई और गोइंग थ्रू, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपके ऊपर जो भी मैजिक इन लोगों ने किया है, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप किस हालातों से गुजर रहे हैं, तो इसलिए किसी को भी अपनी लाइफ में वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपके साथ जुड़ना चाहते थे या जुड़ना चाहते हैं, चाहे आपका रिश्ता बनाना चाहते हो, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो या कुछ भी हो, आप वापस नहीं जा रहे हैं और आपको वापस खींच कर ही वहाँ फेंकना चाहते हैं जहाँ से आप वुंडेड एनर्जी से बाहर निकल कर आए हैं। तो जब आपकी केयर नहीं है तो आपके साथ क्यों जुड़ना है, क्योंकि आप, वही बात है, आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, आप ब्लेसिंग्स हैं, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है, टेकिंग लोन मनी ऑन योर नेम और वर्क, तो आपके काम पे या फिर आपके लोन आपके नाम पे मनी ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, तो भाई लोगों में ये डिक्लेयर कर दो कि आपका काम आपका अपना है, जैसे ये मेरा काम अपना है, मेरे इस काम में किसी के साथ किसी की कोई भागीदारी नहीं है, ना मैं किसी के साथ काम करती हूँ, ना मैं किसी के साथ कोई पैसा लेती हूँ, ना मैं किसी को नाक में कोई लोन लेती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं हूँ। इसी तरह से आपको भी ये डिक्लेयर कर देना चाहिए सब लोगों के बीच में कि ना, अगर आपके नाम पे कोई लोन नहीं है, कोई आप मनी किसी से नहीं लेते हैं, किसी को देते नहीं, इन चक्रों में नहीं पड़ते, साफ डिक्लेयर कीजिए सबके बीच में, ना मेरे नाम पे कोई लोन है, ना मैंने लिया है, ना मैं कोई फ्रॉड करता हूँ या करती हूँ, टोटली अपने आप को अलग कर लीजिए ताकि इनकी जो असलियतें हैं वो खुलें, और इनकी असलियतें ऐसे ही खुल रही हैं क्योंकि आप अपना सच बोल रहे हैं, और अगर आप अपना सच नहीं बोल रहे हैं तो आपको अपना सच बोलने की जरूरत है। बड़ा गंदा खेल है भाई। योर पास्ट इज कॉलिंग, विल यू आंसर, तो आपका पास्ट अगर आपको कॉल करता है कि आप जवाब देंगे, आप जाएंगे अपने पास्ट की तरफ, देख लीजिएगा भाई, आपकी मर्जी है बाकी तो। ड्रीम इन्वेडिंग, स्वीट टॉकिंग, गुड नेचर, तो आपके ड्रीम में इन्वेडिंग कर रहे हैं, और देखिए वही बात है, रिचुअल्स और मैजिक कर रहे हैं ना, डबल मैजिक कर रहे हैं, जिस मैंने कहा शिफ्ट में कर रहे हैं, तुम दिन में करो हम रात में करेंगे, तुम इसकी एक को पकड़ा दिया आपकी कि इसकी धन के ऊपर करो, एक को पकड़ा दिया इसके शरीर पे करो, एक को पकड़ा दिया इसकी खूबसूरती पे करो, चाहे आप मेल हैं फीमेल, इसकी पढ़ाई पे करो, इसकी एजुकेशन पे करो, इसकी जॉब पे करो, इसकी मनी पे करो, इसकी रिलेशनशिप पे करो, इसकी सेक्सुअलिटी पे करो, इसकी जो अंदर की हेल्थ है, फिजिकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की, इमोशनल बॉडी की, स्पिरिचुअल बॉडीज की, आपकी हर लेवल पे लीच कर रहे हैं, खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, यही हो रहा है। अगर आपको सुनने में लगता है हर रीडिंग में ये चीज़ होती है तो हो रही है, तो वही बता रही हूँ, आपसे रेजोनेट करता है तो ले लो, नहीं करता तो जाने दो। जो लोग भी आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, और अगर आप ब्लैक मैजिक के विक्टिम हैं और आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, इनकी ये एनर्जीज़ आप कहते हैं आपके साथ हो रहा है, तो ये सवाल करना ना बंद कर दीजिए कि फैसला कब होगा, जजमेंट कब होगा, कर्मों का हिसाब कब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप देखें या आप ना देखें, आपको ये याद रखना होगा और ये विश्वास रखना होगा ईश्वर पे कि वो आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा, चाहे आपको देखने को मिले या ना देखने को मिले, क्योंकि
आप नहीं भी देख पाएंगे तो आने वाले अगले जन्मों में आप इनके साथ में डेफिनेटली नहीं होंगे, बहुत बड़ा क्रॉस है उसके ऊपर, नहीं होंगे। इसलिए इन लोगों ये आपके साथ में कार्मिक चीज़ें बनाना चाहते हैं, आपके साथ में कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं ताकि अगले जन्मों में भी ये आपको अपने साथ घसीट सकें। इसलिए अगर ये आपके पास में आते हैं किसी भी तरह से, जाने दीजिएगा, कोई भी हो, आपको अपने पास्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास्ट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास्ट में, कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न। अब आप कौन हो सकता है ये अपने हिसाब से देखिए कि कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सिस्टर, आपके सिस्टर्स पे बहुत गुस्सा आ जाता है, पता है कभी कभी मुझे, नॉर्मल में अपना गुस्सा कंट्रोल रखती हूँ लेकिन इतनी गंदी एनर्जीज हैं ना, क्या बोलूँ। जब वॉन्ट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप, तो आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। तो आप देखिए, आप ये सिस्टर हो सकती हैं जिसको किसी का ब्रदर फंसाना चाहता है, या आपका ब्रदर फंसाना चाहता है, या फिर ये कोई सिस्टर है जो कि आपको इन सारी चीज़ों में फंसाना चाहती है और आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है और आपको पास्ट के ट्रॉमास में रखना चाहती है, आपको पास्ट के वुंड्स में रखना चाहती है ताकि आप हील ना हो, और आपके ऊपर इसने लगातार लोगों के साथ मिलकर मैजिक किया है। होल टाइम यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम थॉट्स प्लान्स टू देम, तो आप हर समय अपनी लाइफ को लेकर जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएँ आपके साथ में हो रही हैं, आपके जो विचार हैं, आप पूरे समय इन लोगों को बता रहे थे। हो सकता है आपके माइंड को रीड करते हों, हो सकता है आपको ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हों, हो सकता है आप ग्रुपों में कुछ शेयर करते हों, आप अपनी बातें कहते हों, अपना दुख कहते हों, ठीक है। तो आपकी ये सब चीज़ें जो भी आप खास तौर से इन लोगों को डायरेक्टली कह रहे थे, उसके हिसाब से ही ये आपकी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स कर रहे थे। वांट यू टू चेज देम, माइंड गेम्स, मैजिक। तो आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ियाँ मांगे। दिस इज़ ऑल फॉर मनी और प्रॉपर्टी, तो मनी और प्रॉपर्टी के लिए क्या है, हो सकता है कोई इनको ऑफर कर रहा हो, हो सकता है इन्होंने किसी को ऑफर की हो। माइंड गेम खेले जा रहे हैं, माइंड मैजिक खेला जा रहा है। वॉन्ट यू टू टाइड विद देम, तो आपको अपने साथ, देखिए पहले ही था यहाँ पर, आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इस आर पार्ट ऑफ दिस बिट्रेयल, तो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड भी इसमें शामिल हैं। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग पास्ट वर्जन, तो अगर आपके पास में आपका पास्ट कॉल करता है, आपको पास्ट वर्जन ही है, प्रिटेंड करेंगे कि हम बदल गए हैं पर बदले नहीं हैं। तो आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं, तो क्या बोलें, क्या बोलें, क्या बोलें, कुछ नहीं बोलना है, बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। और अपने जस्टिस के लिए ना डेस्परेट नहीं हुई है, जैसे कई बार कहते हैं कब मिलेगा जस्टिस, कब मिलेगा जस्टिस, नहीं मिलेगा जस्टिस, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको, क्या करोगे जस्टिस नहीं मिलेगा तो, जीना छोड़ दोगे, अपनी लाइफ को लेकर डिसीजंस नहीं लोगे, अपनी लाइफ को लेकर अच्छा नहीं सोचोगे, अपने आप को वुंडेड करते रहोगे, पास्ट के लोगों के साथ जाके रुक जाओगे, नहीं ना, तो फिर आगे बढ़ते रहो, जस्टिस अपने आप मिल जाएगा। और वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन के अंदर शांति लाइए, जस्टिस मिले आपको नहीं मिले, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो, ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे सब छोड़ते चलिए, क्योंकि ये लोग आपके बिलीफ सिस्टम का, आपकी चाहे धार्मिक भावनाएं हैं या लाइफ को लेके आप कुछ अच्छा सोचते हो, सबका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे स्पेल वर्क करते हैं, वो इस बात का मजाक उड़ाते होंगे, अरे ईश्वर पे फेथ करो, ये फेथ आपको होना चाहिए, अरे कैसे होना चाहिए, अच्छा हम बताते हैं फेथ कैसे रखते हैं, आओ चलो स्पेल वर्क करते हैं, आओ मिलके नई चीज़ खोजते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो सबकी जैसी इच्छा है वैसा वो करें, आप अपने आप को सही रखिए। लोग तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, यहाँ पे मैसेज मुझे लेना नहीं था लेकिन मैसेज झाँक रहा है, पैसों से मदद, तो हो सकता है इन्होंने आपकी पैसों से मदद करके दिखाई हो, या जिन लोगों से ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करवा रहे हैं उनकी पैसों से मदद कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इनकी इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है किसी से पैसे ले रहे हों, या कोई पैसा दे रहा है लॉयर, तो किसी लॉयर वाली शीट में आपको बाइंड करना चाहते हैं, लॉयर और जज दोनों हैं, तो पैसों से मदद कर रहे हैं किसी लॉयर या जज की, या फिर किसी को पैसा दे रहे हैं, या कोई जज या लॉयर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है आपके लिए, कोई फैसला दे रहा है आपके लिए, कोई तर्क वितर्क कर रहा है आपके लिए, और पैसों से मदद कर रहे हैं लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली और वर्बली, तो लोगों पर एनर्जी अटैक करते हैं। डबल आई हो सकता है, दिसंबर आपके लिए इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर दिसंबर के महीने में इन्होंने कुछ किया हो या कुछ करने की प्लानिंग हो। प्रीस्ट है यहाँ पे, आर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके साथ जा सकते हैं, मैसेज है इनके साथ, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनने का या दिखावा करने का बहुत शौक है। आरटीएस, तो इन आपने जो भी रिटर्न टू सेंडर आप इनके लिए कर रहे हैं, ये जो भी आपकी तरफ गलत एनर्जीज भेज रहे हैं ना, उसकी वजह से इनकी लाइफ में जो भी
आपकी तरफ बीमारियां या चीज़ें भेज रहे हैं, ये लोग किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है ना, दिस टैप चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो इन्होंने ना बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपके ऊपर चीटिंग की है, चाहे फिजिकल मेंटल इमोशनल रिलेशन बनाए हों, चाहे इन्होंने आपके खिलाफ काम किया हो। जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों के साथ उनके ग्रुप में काम किया है कि अभी तुम करो, अभी तुम करो, फिर तुम करो, हम पैसे देंगे, चीज़ें करेंगे। बैलेंस और क्रॉस रोड का यहाँ पे कार्ड है, तो आप लाइफ में डेफिनेटली आगे तो बढ़े रहे हैं। विलेज से रिलेटेड हो सकते हैं आप, या ये यूट्यूब चैनल हो सकता है इनका या आपका। दूसरों की खुशी को देख के चिढ़ना आता है इनको, आपकी कमियों का बखान करना आता है, था ना यहाँ पे कि आपको मॉक करते हैं। डॉटर आप हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, वो सिस्टर भी हमने देखा था है यहाँ पे। फ़ोन पर बातें करते हैं, आपकी कमियों का बखान करते हैं, आपकी खुशी को देख के चिढ़ते हैं, मॉक आपके लिए बातें कर करके मॉक करते हैं। अच्छा तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, अब ये कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, अब ऐसा कर रहे हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं जीवन में, चलो जी आओ। आपकी हो सकता है फ़ोन पर इंफॉर्मेशन पास करते हो, मैंने कहा था ना टैब खुली हुई हैं, यहाँ सुनते हो वहाँ बताते हो कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुई है, उसमें पैसों की मदद ली और दी जाती हो। बिचकिट तो आपके ऊपर लगातार सुनते हैं फिर प्रयोग करते हैं। आपने इसका या इसके साथ घर बसाया था या जगह दी थी, तो आपने या तो इन लोगों के साथ, देखिए आपने या तो किसी की शादी की थी, या आपने किसी के साथ शादी की थी, या फिर आपने किसी को अपने घर में रहने की जगह दी, जिसको भी आपने अपना समझा था या जिसके लिए आपने किया था, उसी ने आपकी ज़िंदगी को पूरा तार तार कर दिया। वर्क इन टाइल शॉप, तो किसी घर बनाने वाली चीज़ में काम करते हैं। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे स्पिरिट्स के द्वारा करते हों, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स लगा रखी हूँ आपके पीछे, इसलिए आपके ऊपर लगातार अटैक करते हैं, आपकी चीज़ों को वॉच करते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि अच्छा इतना हो गया है, अब ये करना है। अब ये इंसान मॉनिटरिंग स्पिरिट जो होती है ना, ये आपके पल पल की खबर देती हैं दूसरे इंसान को। अब ये कैसे होता है, अब मुझे क्या पता कैसे होता है, अगर आप मुझसे पूछने वाले हैं। इन सब चीज़ों के तरीके होते हैं, इन सब चीज़ों की इनको बांध के रखा जाता है स्पिरिट्स को अपने साथ में, या फिर कुछ जो भी कुछ किया जाता होगा। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का मतलब सीधा यही है कि आपको 24 आवर्स मॉनिटर किया जाता है, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप गा रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके हर पल की खबर, आपके जीवन के हर पल की खबर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के द्वारा, या फिर ऐसे लोग जो कि आपको मॉनिटर करते रहते हैं उनके द्वारा पास की जाती है। ये आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, या आप इस इंसान के साथ स्कूल गए थे। सुपरफिशियल थॉट्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा हवा हवाई वाली बातें हैं इनकी। देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, वैसे जस्टिस के कार्ड में आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी हैं। आर्कएंजल माइकल आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? तो ये दो मैसेज ले लेते हैं, पर ये कार्ड लेंगे नहीं। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल यूरियल जो हैं आपको ब्लेस्ड। देखिए अगर आपको किसी आर्कएंजल का नाम यहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में, यानी कि जो भी यहाँ मैसेज आता है उसके हिसाब से, अगर आप उनका नाम नहीं भी ले पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या डिवाइन एनर्जीज कह सकते हैं अगर आपको नाम समझ में नहीं आता है तो। कई बार कुछ लोगों को नहीं आता होगा। आर्कएंजल यूरियल यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने के लिए, और जो तुम्हें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको ट्रस्ट करो। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल और यूरियल। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। अभी मैंने कल वीडियो डाला है सेकंड चैनल के ऊपर कि आप गॉड्स चाइल्ड हैं, तो अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील कैसे कर रहे हैं मैं नहीं जानती। क्योंकि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रीडिंग के लिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए खुद की हीलिंग के लिए, उस चैनल पे जो वीडियोस आ रहे हैं डेली, वो आपकी हीलिंग के लिए ही आ रहे हैं। तो अगर आपको वो रीडिंग कभी भी बोरियत वाले लगते हैं ना, तो याद रखिएगा आप अपनी हीलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो। और आपको लगे कि रोज़ ही हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, आप जिस तरह की सिचुएशन में लाइफ में हैं, अगर ये सब आपके साथ में हो रहा है तो आपको मोटिवेशन के सिवा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको हर कदम के साथ आगे बढ़ना होगा, और हर कदम पे बेड़ी है, हर कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट अपने आप को करना ही होगा, और उस चैनल पे मोटिवेशन वाले वीडियोज़ ही हैं। अगर आप उनको नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, खुश रह पाएँ या ना रह पाएँ वो बात की बात है। डोंट सेटल फॉर लेस, आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सारे सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप, मैंने क्या कहा था, आपका एक एक सपना, आपकी एक एक ब्लेसिंग्स आपको वापस होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपकी सब चीज़ें छीनी गई हैं आपसे, आपकी सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स छीन के आपको एम्प्टी किया गया है, खाली किया गया है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ईश्वर आपको ब्लेस जरूर करेगा।
थैंक यू सो वेरी मच आकिन जमाइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? वैसे तो कर दिया है लेकिन फिर भी आप हमें एक मैसेज और दे दीजिए। ओके, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। तो आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल गैब्रियल। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपना जो भी आप विज़न देखते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप उस चीज़ को बढ़ा सकें। इस चीज़ के लिए वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकें। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही आर्कएंजल्स भी कह रहे हैं, उनकी सुन लीजिए, मेरी नहीं सुननी। तो योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, तो आपकी प्रेयर्स जो है डिवाइन रिसीव कर रहा है और आपकी प्रेयर्स के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर, बस ट्रस्ट रखिए। आपके जो भी प्रेयर्स हैं उनके आंसर मिलने ज़रूर हैं और मिलते ही हैं अगर आप सही हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप अपने जीवन में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आप किसी भी तरह की डेवलिश एनर्जीज में नहीं है जो कि लोग आपको रखना चाहते हैं। ईश्वर सब देखता है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं देखता, ईश्वर देखता भी है और वो आपको सर्व भी करता है। ये विश्वास आपको होना चाहिए और लोग इसी विश्वास को तार तार कर देना चाहते हैं आपके ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके मनी के ऊपर, लीच करके या फिर उसको हार्म करके। अब ये कैसे लोग हैं, कैसे अपने हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे अपने से ना अपना होना ही बहुत बेहतर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।